हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी चल रहा था। हाउस प्रॉपर्टी में काफी सारे कंसेप्ट हमने कर लिए हैं। ऑलमोस्ट एंड होने वाला है ये चैप्टर, के बाद कुछ नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजों के नोट्स अच्छे से बना लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा ये भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, कैसी चल रही है आपकी क्लासेस? कितना समझ आ रहा है, कितना समझ नहीं आ रहा, बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा कुछ आपको? ठीक है, ये चीजें आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बेसिक पार्ट डन हाउस प्रॉपर्टी का, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली थी हमने कुछ कुछ, तो हमने कंसेप्ट किए। इंटरेस्ट ऑन लोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पढ़ा था बच्चों करंट ईयर का और प्रायर पीरियड का। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलती है 24B के अंदर। अगर आप लोन वापस करते हैं तो उसकी डिडक्शन भी मिल जाती है 80C में। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख थी लास्ट क्लास में, वैकेंसी का केस था। वैकेंसी के बाद अनरियलाइज हमने पढ़ा था, अनरियलाइज रेंट रूल 4, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था अपने पास बच्चों। ठीक है, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। और क्या था, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट के बाद ये इंपॉर्टेंट पार्ट, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। हालांकि ये एक स्पेशल चैप्टर भी है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, वहां पर भी आएगा ये सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, उधर भी आएगा ये। ठीक है, हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसा घर जो क्या है अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जीएबी क्या होगी, निल होगी। मैक्सिमम 2 घर अलाउड है आपके पास। नहीं, मेरे पास तो 3 घर हैं, तब क्या होगा, आज वो पढ़ते हैं। अगर कि 2 से ज्यादा घर हो जाएं आपके पास, सेल्फ ऑक्यूपाइड पहले बच्चों एक ही होता था, वही सही था वैसे तो। मान लो एक पर्सन, एक फैमिली एक ही घर में तो रहेगी, ऐसा थोड़ी है थोड़े दिन इधर या उधर। बट फिर भी गवर्नमेंट ने फेवर करी, कहती है जाओ कोई बात नहीं, 2 घर हैं छोड़ा, 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने से क्या होता है, लॉस निकलता है, किसी दूसरी इनकम से जाके क्या हो जाता है बच्चों, एडजस्ट हो जाता है, तो इनकम कम बनती है तो टैक्स भी कम बनता है। इस तरह से गवर्नमेंट ने फेवर कर दी, गवर्नमेंट ने फेवर की हुई है। ठीक है, गुड। अब हाउस प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा हो जाएं अपने पास, 3 घर हो जाएं, 4 हो जाएं, फिर और मैं बोलूं मैं तो 4 घर हैं, चारों घर मैं एक भी घर रेंट पे नहीं देता, ये पार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, 4 घर हैं, चारों में से मैं एक भी रेंट पे नहीं देता, चारों में मैं खुद रहता हूं, मैं कह रहा हूं चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नहीं देने रेंट पे, हमने रहने के लिए बनाए हाउस। वन हाउस हाउस गवर्नमेंट कहेगी किसी 2 घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बाकी को हम लेट आउट अपने आप मान लेंगे, इसको कहते हैं हम डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। ये वाला केस हमें पढ़ना है कि अगर 2 से ज्यादा घर आ जाएं उस केस में क्या करना है। अगर 1 घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड चलेगा, 2 घर है सेल्फ ऑक्यूपाइड चलेगा, तुमने बोला नहीं 3 घर है मैं कोई भी घर रेंट पे नहीं देता, मतलब आप ढूंढ 3 घर अगर आप रेंट पे नहीं दे रहे, आपके पास 3 घर हैं, तो आप झूठ बोल रहे हो, गवर्नमेंट अपने आप मान लेगी कि आप किराए पे दिया हुआ है, आपने उसको रेंट पर दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है, फिर डीम्ड लेट आउट। वो पार्ट अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। चलिए जी, आज का पार्ट, ये आज का पार्ट, इसको प्रॉपर नोट कर लेना। ठीक है, कहता है मोर देन 2 हाउस विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, आपके पास 3 घर है मान लो, हाउस 1 हाउस 2 हाउस, तीनों कह रहे हो हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इफ एनी पर्सन हैज मोर देन 2 हाउस विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, इन सच केस ओनली 2 हाउस शैल बी कंसीडर्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, अदर हाउस डीम्ड टू बी लेट आउट, बाकी बचे हुए घर को गवर्नमेंट मान लेगी कि रेंट पे है। देख लो इस बात, सेक्शन 23
कौन से घर को लेट आउट मानेगी? वो गवर्नमेंट अपने आप नहीं मानेगी, तुम बता दो खुद। सर मेरे पास हाउस वन है, हाउस टू है, हाउस थ्री है, कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड मानू? मान लो जे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ, देखो क्या हो सकता है जब तीन घर हो तो। हाउस वन हाउस टू को मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड इस एक के, दूसरा केस ये है हाउस वन हाउस थ्री को मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, टू को मान लो लेट आउट, या फिर हाउस वन को लेट आउट मान लो, टू और थ्री को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। इन केस बन सकते, इन केस सॉल्व करने, तीन केस बन रहे हैं और तीन केस आपको बच्चे सॉल्व करने पड़ेंगे। आया समझ? ठीक है, काफी आसान है, बस कंसेप्ट एक बार पढ़ते जाए और लॉ में जो लिखा है वैसे ही कर, इसको लेट आउट की तरह सॉल्व कर लेंगे। इसका जीए भी होगा, एन ए भी होगा, म्युनिसिपल टैक्स होगा। सर रेंट तो मिला ही नहीं, जीए भी कहाँ से होगा? एक्सपेक्टेड रेंट को जीए भी मान लो। भाई जो प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दी ही नहीं, उसका रेंट मुझे मिलेगा ही नहीं, रेंट रिसीवेबल होगा ही नहीं, एक्चुअल रेंट, रेंट रिसीव और रिसीवेबल होगा ही नहीं, तो एक्सपेक्टेड रेंट कंसीडर्ड एज जीएबी हो। लेकिन जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जीएबी निल, एनए भी निल, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड, ठीक है, 30% डिडक्शन नॉट अलाउड, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस निकलेगा, लॉस निकलेगा। चलो पहले एक बार ये नोट करो, फिर इस पे कुछ, ठीक है, आसान सा कंसेप्ट है, आप नोट कर लो पार्ट, एक बार आप नोट करें फिर आगे चलो। चलो जी देखो, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आई होप आपने ये सारा पार्ट नोट कर लिया कि जब दो से ज्यादा घर हो तो एक को हमें लेट आउट मानना पड़ेगा। दो से ज्यादा घर हैं तो एक को लेट आउट मानना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, अब इसमें सॉल्यूशन देखो, पहला केस कैसे बन सकता, सॉल्व कैसे कर, पहले क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहां पर ये बात है कि एक घर है, दो घर है, तीन घर है, पहले तो हम जीएबी निकाल, कौन से की निकालूं बताओ, कौन सा लेट आउट माने, कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड माने। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट केस फर्स्ट ऐसा करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, पहले ऑप्शन हाउस वन और टू को मानते हैं, हाउस वन एंड हाउस टू को मान लेते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड, क्या मान लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट, हाउस वन एंड हाउस टू। सर हाउस वन और हाउस टू को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, अगर देखना ध्यान से, सर हाउस वन की क्या जीएबी होगी, अब बताओ, अगर हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यहाँ एक बार ना तीनों को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड लेके सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट से, पहले देखना ऐसे रफ में आप कर लेना, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो एक वर्किंग ये बना लेना, हाउस वन हाउस टू हाउस, तो काम आपका आसान हो। बताओ जीएबी होगी क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड की, नो, एनएबी होगा क्या, सर निल होगी, कैसी बात करते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएबी नहीं होता और एनएबी भी नहीं होता, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना उसका जीएबी होगा ना ही एनएबी, क्या 30% होगा वो भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, अगर लोन 1/4/1998 से पहले का है तो मैक्सिमम 30,000, रिपेयर रेनोवेशन ऑल्टरेशन का है तो 30,000, 1/4/1998 ऑनवर्ड से है तो फिर 2,00,000, मैक्सिमम 2,00,000, देखो 1998 में 2,00,000 अपडेट करा था गवर्नमेंट ने आज तक, तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें मैक्सिमम अलाउड एक्सपेंस फॉर इंटरेस्ट कितना है, 2,00,000 रुपए, ठीक है, तो जीएबी निकालने की नीड नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स होगा नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ कितना माइनस, 4,00,000 तो नहीं अलाउड ही नहीं है,
3 लाख है, क्या 3 लाख माइनस कर दूं? नहीं सर, जब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे हाउस टू को, तो 2 लाख ही माइनस में 1,70 माइनस। ओके क्या इतनी बात आई समझ? अभी मैं सेपरेट सेपरेट बात कर रहा हूँ, हाउस वन, हाउस टू एंड हाउस थ्री, बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? यस, बट एक प्रॉब्लम और है। एक प्रॉब्लम और क्या है बच्चों, जब दो घर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड होते हैं, हाउस वन एंड हाउस टू, 2 लाख इन दोनों को मिला के मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ भी 2 लाख आ रहा है, यहाँ भी 2 लाख आ रहा है, दोनों जगह 2 लाख नहीं होगा, टोटल 2 लाख अलाउड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 2 लाख अलाउड। सर अगर 50-50 होता दोनों में, मान लो यहाँ 50 होता, फिर 50-50 दोनों में अलाउड होता, मैक्सिमम 2 लाख अलाउड होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। दो घर मैक्सिमम तो दो ही घर लेने हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो दोनों को मिला के कितना आएगा? 2 लाख ही आएगा। ये 2 और 2 4 मत कर देना। ओके अब ये बात पता चल गई, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन। अब बताओ हाउस प्रॉपर्टी 1 और 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा? लॉस निकलेगा कि 2 लाख रुपए लॉस अंडर द हेड सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। हाउस थ्री को मानेंगे हम लेट आउट प्रूफ। क्या मानोगे? लेट आउट मानोगे हाउस थ्री को, तो जीएवी निकालो। कैसे निकालें बताओ? ये तो आता होगा जीएवी, फेयर रेंट 12,50,000 है, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन 11,50 है। कौन सा लोगे? 12,50 वाला, ये वाला सेलेक्ट कर लिया। अब स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करो, कौन सा लोगे? सर 11,30,000 ले लेंगे, विच एवरेज लो। पहले फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में हायर लिया, फिर 11,30 के साथ देखा लोअर ले लिया। ओके एक्चुअल रेंट तो होगा ही, रेंट एक्सपेक्टेड रेंट विल बी कंसीडर्ड एज जीएवी। एक्सपेक्टेड रेंट को हम क्या मान लेंगे? जीएवी। 11,30,000 अब माइनस करते हैं इस म्युनिसिपल टैक्स। अगर लेट आउट है तो म्युनिसिपल टैक्स भी अलाउड होगा, ये लेट आउट माना है ना, तो म्युनिसिपल टैक्स तो देना ही पड़ेगा। फिर 1,20,000 माइनस करने दो। अब 11,30,000 में से बच्चों अगर 1,20,000 माइनस कर दिया तो एनएवी कितना आया? सर 11,30 माइनस 1,20 क्या आ गया? 10,10,000। 10,10,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या अलाउड होगी? बिल्कुल अलाउड होगी। 3,03,000 क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा? बिल्कुल होगा। कितना? 1,70,000 लेट आउट है, ये माइनस हो। अगर इनको माइनस कर लिया जाए बच्चों तो कितना आएगा बताओ? 10,10,000 में से माइनस हुआ पहले तो 30%, 7,07,000 आ गया। 1,70 और माइनस हुआ, 5,37,000 आ गया। 5,37,000 आ गया, ठीक है। इनकम आ गया बच्चों फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 5,37,000। चेक करके देखो पूरी कैलकुलेशन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है, आराम से नोट कर लो, देख के कोई जल्दी नहीं है। 5,37,000 इनकम कितना बन रहा है यहाँ पर? 5,37,000 फ्रॉम दिस हाउस। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की टोटल इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों? 5,37,000 तो आया ही है, ये आया 5,37,000 सॉरी। अब 5,37,000 जो आया है, 5,37 और माइनस का 2 इंटरहेड, और इंटरहेड अपने ही हेड में है ना, 5,37,000 प्लस में 2 लाख रुपए नेगेटिव हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। 5,37,000 और 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड एडजस्ट हो 3,37,000 रुपए। इस बार ऑप्शन फर्स्ट की ये बनाया, ठीक है। अब ये सारा एक साथ नोट कर लेना,
अब देखते हैं सेकंड केस बच्चों, सेकंड केस करते हैं ठीक है। केस टू सेकंड ऑप्शन में अब क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, सेकंड ऑप्शन में क्या करें बच्चों, हाउस वन हाउस टू को माना था हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड, अब लेट करते हैं हम हाउस टू एंड हाउस थ्री इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसको मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड ठीक है, हाउस टू एंड हाउस थ्री को सेल्फ ऑक्यूपाइड और हाउस वन हो जाएगा फिर लेट आउट। तो बताओ हाउस टू और हाउस थ्री का अगर मैं टोटल इंटरेस्ट करूं सेकंड केस में, हाउस टू एंड हाउस थ्री का अगर टोटल इंटरेस्ट करें तो कितना बनता है सर, तीन और एक ये एक सत्तर ठीक है, 470,000। अब 470 का क्या लॉस आ सकता है, नहीं लॉस आएगा इसमें तो आएगा मैक्स आएगा 2,00,000 रुपये। ओके ये क्लियर हो गया। अब हाउस टू एंड थ्री को माना है सेल्फ ऑक्यूपाइड, पहले हाउस वन टू को माना था, अब टू थ्री को, हाउस वन को मानते हैं लेट आउट। हाउस वन अगर लेट आउट है तो उसकी जीएवी बताओ, जल्दी बोलो जीएवी कितनी होनी फास्ट, हाउस वन की जीएवी कितनी होनी सर, हाउस वन की जीएवी 12 और 13 में से लेंगे 13 को, 13 और 14 में से भी लेंगे लोअर, जीएवी यही होगी लेट आउट माना है डीम्ड लेट आउट ठीक है 13,00,000 रुपये। ओके कितना आ गया 13,00,000। अब बच्चों इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, अलाउड होगा क्योंकि अब तो लेट आउट है तो 1,00,000 सॉरी माइनस होगा 1,00,000 रुपये, क्या आ गया 12,00,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो बच्चों, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी, एट द रेट 30% अंडर सेक्शन 24 क्या था ए 30% 360,000 रुपये माइनस कर मिलेगा। ओके अब क्या इंटरेस्ट ऑन लोन 4,00,000 घटा दें, यस घटा दो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या पूरा माइनस कर दें, यस 4,00,000। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2,00,000, मैक्सिमम 2,00,000। 12,00,000 में से अगर हम 360 माइनस करें और 4,00,000 माइनस करें बच्चों तो आ रहा है 4,40,000 ठीक है, 440,000 रुपये। बताओ कोई दिक्कत है, 440,000 की पार्ट हो गया क्वेश्चन सॉल्व ठीक है। इनकम आ गई कौन से घर की, सर ये तो इनकम आई हाउस वन, टोटल इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी अगर बनाएं तो कितना आएगा, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ ऑप्शन टू 440,000 इनकम है हाउस वन से, टू एंड थ्री से लॉस है 2,00,000 का, तो 240,000 ठीक है 240,000 इस तरह से। देखो कोई दिक्कत है तो हाउस टू एंड थ्री को मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों का मैक्सिमम लॉस 2,00,000 हो सकता है, अगर इंटरेस्ट कम होगा तो कम मिल जाएगा बट 2,00,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके डन, हाउस वन को सॉल्व कर लो क्या प्रॉब्लम, 40,000 ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बच्चों थर्ड एंड लास्ट केस अपने पास, थर्ड और लास्ट केस ऑप्शन थर्ड क्या है, ऑप्शन थर्ड देखें, ऑप्शन थ्री क्या लेट करें आप, सर हाउस वन टू को सेल्फ मान लिया, टू थ्री को मान लिया, क्यों ना थ्री और वन को मान लें। ओके हाउस वन एंड हाउस थ्री को मान लेते हैं हम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यस गुड, तो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो
तो लॉस निकल के आएगा वही अगर हाउस वन एंड थ्री को माने तो। यहाँ पर लोन 4 लाख है, यहाँ 170 है, मैक्सिमम लॉस अंडर द हेड हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड केस क्या हाउस टू को लेट आउट मानना पड़ेगा? बिल्कुल हाउस टू को मानना पड़ेगा लेट आउट। अगर लेट आउट होगा तो जीएबी होगी, बिल्कुल जीएबी होगी तो निकालो। हाउस टू रह गया है उसकी जीएबी निकालनी है ना। आप भी देखो हाउस टू है अब लेट आउट, हाउस वन और थ्री है सेल्फ ऑक्यूपाइड। यस 12 लाख और 11 लाख 80, 12 लाख अच्छा है ज्यादा, 13 लाख के साथ देखो यही वाला चलेगा 12 लाख। कौन सा 12 लाख? तो जीए भी आ गया अपना 12 लाख, हायर लोअर, हायर फिर लोअर फिर हायर। ओके 12 लाख रुपए का आ गया जीएवी माइनस टैक्स पेड बाय द ऑनर। फिर म्युनिसिपल टैक्स है 1,10,000 रुपए, 12 में से 11 बट 10,90,000 लिखना इज नेट क्या हमारे पास नेट वैल्यू एनए। लो जी एनए भी निकाला हमने 10,90,000, 12 में से 10 माइनस कर दिया और क्या करना है 30%, कितना 30% प्लस कर दो 30% ऑफ एनएवी। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन। भाई 10,90,000 का 30% कितना होता है? 3,27,000 होता है, माइनस कर लिया। ओके गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ कितना लेस करूं, जल्दी बोलो बच्चों। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखने से पहले आना चाहिए कमेंट। इंटरेस्ट ऑन लोन सर हाउस टू के केस में 3 लाख है, क्या पूरा घटा दें? सेल्फ ऑक्यूपाइड है नहीं, लेट आउट है, 3 लाख पूरा घटा दो सर, लेट आउट है ये। इनकम कितनी आएगी? यहाँ से इनकम निकलेगी 10,90,000 माइनस 3,27,000 माइनस 3, यानी इसको कहते हैं डीम्ड लेट आउट। जबरदस्ती गवर्नमेंट लेट आउट मान रही, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान रही। 4,63,000, 4,63,000 ठीक है। तो इस तरह से करके क्या करना है आपको, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4,63,000 माइनस 2 लाख, यस कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहां पर आप वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो, मैं आपको स्क्रीन पहले तो देख लो क्वेश्चन इस पे, ठीक है आराम से कि आपके पास क्वेश्चन क्वेश्चन देखें फटाफट, आप स्टॉप करके आराम से नोट कर लीजिए। डन। अब ये वाला पार्ट पहले केस वन समझ समझ के नोट कर, पहले केस वन इसमें हाउस वन और हाउस टू को माना है हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसमें लॉस निकलेगा मैक्सिमम 2 लाख। हाउस थ्री को माना है लेट आउट, जहां पे जीएबी निकाली, नोट करो, म्युनिसिपल टैक्स निकाला, एनएबी आया, 30% माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया, इनकम आ गई और तीनों घर की फिर इनकम ऐड ऑन कर। हाउस थ्री से इनकम आई 5,37,000 और हाउस वन एंड टू का लॉस आया बिकॉज उसको हमने अज्यूम किया है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो केस वन में आ गया 3,37,000 रुपए, हम वो वाला मानेंगे जिसमें इनकम सबसे कम आ रही हो। केस वन के बाद चलते हैं जिसमें सबसे कम आ रहा हो, ऑप्शन टू नोट करो। ऑप्शन टू इज अ हाउस टू एंड थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड, लॉस निकले हाउस वन टैक्स माइनस कर देंगे 30% माइनस,
इंटरेस्ट ऑन माइनस में 2 लाख, ठीक है। फिर आ जाओ केस हाउस वन एंड हाउस थ्री इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस टू हो जाएगा लेट आउट, जीवीआई 12 लाख माइनस म्यूनसिपल टैक्स, एनएवी 30%, इंटरेस्ट ऑन कम 4.62 लाख, 2 ठीक है। तो ये तीनों पार्ट आई होप आपने लिख लिए होंगे, हाउस वन हाउस टू एंड हाउस, ठीक है। तीनों में से अब देखो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम तो अपने को कौन सा दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन टू इज करेक्ट, ठीक है ना। तो सबसे कम है जो देखने में अमाउंट सबसे कम आ रहा है, जहाँ पे टैक्स सबसे कम बनेगा उस वाले को सेलेक्ट कर लेंगे हम, मानेंगे हाउस टू एंड हाउस थ्री को सेल्फ ऑक्यूपाइड। हाउस टू और हाउस थ्री को क्या मान लोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये वाला केस थर्ड वाला, ठीक है सर। और हाउस वन को मान लेंगे लेट आउट, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 लाख, चल सॉरी चलो बच्चों वापस चलते हैं अपने हमने कर लिया। आगे बच्चों एक पार्ट और देखो, अगर मैं बोलूं आपसे अनऑक्यूपाइड हाउस, अनऑक्यूपाइड हाउस क्या होता है, आपने एक घर बनवाया बड़ी मेहनत से, जयपुर में आपने एक घर बनवाया बड़ी मेहनत से, ये लो आपका अपना प्यारा सा घर, ठीक है। ऐसे होता है ना, अब तो ऐसे नहीं होते, ठीक है। अब क्या किया हमने, घर बनवा तो लिया बट उसमें रह नहीं पा रहे, जब रह नहीं पाते तो उसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड। या तो हम रहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, या तो हम उस घर को लेट आउट कर दें, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लेट आउट प्रॉपर्टी, खुद रहो सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड तो है, या तो टीनेंट के थ्रू ऑक्यूपाइड है, या फिर हम खुद ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। ओके अंडरस्टूड। अब बात ये आती है बच्चों कि ना मैं रह रहा हूँ ना मैं किसी को रहने दे रहा हूँ, अपना घर खाली पड़ा है, तो सर उसको वैकेंट बोलते हैं, पढ़ा तो दिया है, वैकेंट है ना, वैकेंट भी समझ आता है। वैकेंट का मतलब होता है बच्चों कुछ दिन मैं था, घर से बाहर चले गए हम कहीं, या घर थोड़े दिन के लिए खाली छोड़ दिया, वो वैकेंट। किराएदार रहता था, फिर नया किराएदार मिला नहीं, 2 महीने खाली रहा घर, वो वैकेंट। एक घर मैंने जो रेंट पे देने के लिए बनाया ही नहीं था, ये मैंने रहने के लिए बनाया था इस घर, अब इस घर में मैं रह नहीं पा रहा, रीजन देखो पढ़ो पहले। अब इफ एनी हाउस इनकम ऑफ अनऑक्यूपाइड हाउस, इफ एनी हाउस इज अनऑक्यूपाइड बाय द ऑनर ऑफ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, जयपुर में बनाया था ये घर हमने, अब जॉब लग गई मुंबई में, मुंबई आना पड़ गया, काम तो करना पड़ेगा ना, या बिजनेस स्टार्ट कर लिया, प्रोफेशन स्टार्ट कर लिया, प्रोफेशन भी हो सकता है मुंबई के अंदर, बिजनेस एंड प्रोफेशन करने मुंबई चले गए, तो फिर अब यहाँ एट एनी अदर प्लेस। अब भाई जब तुम जयपुर से मुंबई आ गए बच्चों तो मुंबई में ही रहोगे, रहना पड़ता है काम के चक्कर में, अक्सर हर किसी को बाहर रहना पड़ता है, आपके पेरेंट्स भी काम के चक्कर में बाहर रहना पड़ता है, ठीक है। आप भी हो सकता है आप अपना घर छोड़ के कहीं बाहर रह रहे हो, आपका घर हो, ठीक है। उस घर को जो अपना घर होता है उसको हम रेंट पे नहीं देते, क्योंकि ये हमने रहने के लिए बनाया था, किराएदार को देंगे वो खराब कर देगा, पूरी हालत कर देगा घर की। इस घर को मैं लेट किराए पे भी नहीं दे रहा, अब हम मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में किसी घर में रहते हैं, वहाँ पे या तो लेट आउट होगा, रेंट पे रह रहे होंगे, अपना घर भी हो सकता है, कोई बात। गवर्नमेंट ने पूछा इस घर के बारे में, भाई इसको गवर्नमेंट कहती है लेट आउट है ये, मैं कहता हूँ लेट आउट कैसे है, गवर्नमेंट कहती है सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नहीं है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नहीं है और
लेट आउट भी नहीं है ये वाला घर, ना सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्योंकि हम रहते नहीं, किराए पे हमने दिया नहीं तो वो लेट आउट भी नहीं, इसको बोलते हैं अनऑक्यूपाइड। ना समझ आया पहले अनऑक्यूपाइड हाउस क्या होता है? ओके क्लियर। अनऑक्यूपाइड हाउस बच्चों अब आपको पता चल गया अनऑक्यूपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, ओके ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस। अब इस घर को क्या माने? गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, इन दिस केस एसएससी हैव ऑप्शन टू कंप्यूट इनकम ऑफ सच हाउस एज सेल्फ। गवर्नमेंट ने देखो कितनी हेल्प कर दी, गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम सच बोल रहे हो, मजबूर हो ना, रेंट पे दे सकते हो, डीम्ड लेट आउट नहीं मानेंगे। ऊपर वाले केस में देखो डीम्ड लेट आउट मान लिया वहां पर, डीम्ड लेट आउट ठीक है, वैकेंसी माने अगर इसको, वैकेंट मानोगे तो जीए भी आएगा, म्यूनसिपल टैक्स आएगा, एनएवी आएगा, 30% होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, माइनस करके यहाँ पर अगर वैकेंट मान ले, तो वैकेंट मानू तो इनकम निकलेगी, इनकम निकलेगी तो टैक्स देना पड़ेगा, ओके। डीम्ड लेट आउट मान लू अगर फिर भी इनकम निकलेगी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो लॉस ही निकले। सर इसके पास दो और घर हैं जो कि सच में सेल्फ ऑक्यूपाइड है मुंबई में, ऐसी बात है, टोटल दो ही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने, एक ये वाला, एक कोई और मान लो, मानना है तो ओके। अनऑक्यूपाइड हाउस को भी क्या मानोगे आप? सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे। आई होप क्लियर हो गया, देख लो इसको, कभी अनऑक्यूपाइड हाउस आ जाए तो जीएवी निल, एनएवी निल ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स नॉट अलाउड, 30% नॉट अलाउड स्टैंडर्ड डिडक्शन, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी कंसीडर्ड लॉस ठीक है, इनकम अंडर द हेड हाउस को लॉस मान इंटरेस्ट ऑन लोन सेम सेल्फ ऑक्यूपाइड, मैक्सिमम इंटरेस्ट 2,00,000 रुपए ठीक है। ठीक है तो ये हो गया डन, काफी आसान है हाउस ठीक है, अनऑक्यूपाइड में कुछ नहीं है, सिंपल है। अच्छा बच्चों एक तरीका और, एक घर तो ये हो गया जो मेरा अनऑक्यूपाइड पड़ा, एक और देखो ठीक है, ये नोट कर लेना भाई, यहाँ पे जब नोट करने का टाइम आता है तो आराम से नोट करो। एक घर और बनाते हैं, अब वो मुंबई गया था, मुंबई में देखो कैसा घर बनाया है भाई साहब, कितने फ्लोर बनाए, एंटीलिया बना देते हैं, हाउसप्लॉट इनकम तो उनकी भी होती होगी भाई, फ्लोर वाइज ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, डिफरेंट पोर्शन ऑफ हाउस ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट इस तरह से, ये लो लेफ्ट राइट, इतना बड़ा घर है यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड फ्लोर का फर्स्ट एंड सेकंड। अब बताओ इतने सारे घर में ये खुद रह लेगा, या तो मैं बोलूँ पूरी बिल्डिंग को मैंने लेट आउट कर दिया 10,00,000 रुपए, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मैंने कहा अपने घर अपने रहने के लिए रख लेते हैं एक टॉप फ्लोर में हम खुद रहेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ये भी रख लेते हैं, एक नीचे से भी रख लेते हैं, तीन घर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट कर दो, लेट आउट कर दो, लेट आउट लेट आउट लेट आउट लेट आउट। अब ये पूरा घर मैंने ऐसे टुकड़ों में बनाया हुआ है, ऐसे पोर्शन होते हैं ना बिल्डिंग के, मल्टी स्टोरेड होती है पूरी की पूरी, अब उसमें से कुछ पार्ट हमारे लेट आउट है, कुछ क्या है लेट आउट, कुछ है सेल्फ ऑक्यूपाइड, कुछ है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसे घरों की इनकम कैसे निकले? ऐसा क्वेश्चन वैसे काफी सिंपल होता है, डरने की जरूरत नहीं है। पूरे घर की म्यूनसिपल वैल्यूएशन आती है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन कैसे आती है? पूरे घर की आती है, ओके अंडरस्टूड, म्यूनसिपल वैल्यूएशन कैसे आएगी? पूरे घर की आएगी ऊपर से। सर सेल्फ ऑक्यूपाइड कैसे करें? कितने यूनिट है चेक करो, ये भी लेट आउट, ग्राउंड फ्लोर भी लेट आउट, लो पार्किंग हम बाहर करते हैं रोड पे, तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, 9 यूनिट्स ऐसी हैं जो लेट आउट है, ओके। 3 यूनिट ऐसी है बच्चों जो क्या है, हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। अब 9 यूनिट ऐसी है जो लेट आउट है, 3 यूनिट क्या है सेल्फ ऑक्यूपाइड,
तो जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन होगी प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी, फेयर रेंटल वैल्यू होगी प्रोपोर्शनेट करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड रेंट प्रोपोर्शनेट कर लेंगे, एक्चुअल रेंट जिस यूनिट का मिलेगा देखिए ओके, यानी सब का एक एक घर का अलग अलग निकालना पड़ेगा। कैसे, कितने यूनिट है टोटल बिल्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 वैल्यूएशन डिवाइडेड बाय 12, फेयर रेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय 12, हर एक यूनिट का अलग कर लो, क्या प्रॉब्लम, यानी सभी यूनिट का अलग अलग करना है, अलग अलग करने के बाद एक एक निकाल लो इतने सारे घर, ठीक है। तो अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि एक यूनिट लेट आउट कर दिया, या फिर ऐसे भी हो सकता है बच्चों, देखो आपके पास काफी बड़ी सी लैंड है, आपने कहा इस वाले एरिया में तो हम रहे सेल्फ ऑक्यूपाइड को, यहाँ पर हमने दिस इज द 1/3 पार्ट ऑफ द लैंड एंड 2/3 पे हमने बना दिया एक अलग टाइप से कुछ घर बना दिए, और ये वाले पोर्शन कर दिए हमने लेट आउट 5 लाख, ठीक है। 5 लाख रुपए रेंट मिलता है पर एनम, और इसमें मैं रहता हूँ खुद, सेल्फ ऑक्यूपाइड का आपको निकालना आता है लेट आउट कभी निकाल, बट जब जीएवी निकालोगे तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन क्वेश्चन में पूरे घर की गिवन होगी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन कैसे गिवन होगी, म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 12 लाख, क्या करें बच्चों, 1/3 कर दो, और सॉरी तो लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके लिए क्या कर लो 12 लाख कट, ऐसे ही सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो जरूरत ही नहीं है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें जीएबी निल है, एनएबी निल है, तो इसका 2/3 कर लो, ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यू का क्या करें, 2/3 कर लो, स्टैंडर्ड रेंट का क्या करें, 2/3 कर लो, एक्चुअल रेंट का मत कर लेना बच्चों, एक्चुअल रेंट तो ऑलरेडी 2/3 पार्ट का ही होगा, पूरी बिल्डिंग का रेंट क्यों बताएगा भाई, जब रेंट मिल ही रहा है इस वाले पोर्शन का तो इसी का तो बताएगा, ठीक है। जब इस पोर्शन का मिल रहा है रेंट तो इसी पोर्शन का होगा, रेंट को मत करना कंपेयर, ओके। आई होप आपको यहां तक समझ आ, ओके ठीक है, यहां तक हमने काफी चीजें डन कर ली, आज इतना ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर ले, चलो नेक्स्ट क्लास से ही करते हैं फिर, ठीक है। चलिए जी, नोट वगैरह करके प्रैक्टिस करना, कोई डाउट्स हो तो भेजना, बाकी ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन, फिर करेंगे नेक्स्ट, एक आध क्लास और ले लेते हैं फिर करते हैं नया चैप्टर, ओके। कीप लर्निंग,